नौजवान संघर्ष मोर्चा ही आगे राज्य में कार्यालय में और अब ये रिपोर्ट बा बनिहार में दी केदार में 14 जनवरी के बनिहार में दी भगवान घाटी में जब पहला की धुआं झटका था वही भगवान घाटी में बनिहार में दी से झंडा तोलन कर रहा वो झंडा तोलन के रंग गया थी ना कौन रंग का एगो बात कथन एगो बात यह बात नौजवान संघर्ष मोर्चा नौजवान संघर्ष मोर्चा में क्या था सुजय एरिया सुजय जो है एरिया कमांडर था सुजय की हत्या हुई हर एरिया कमांडर के रूप में कौन आ गए क्षेत्र का विधायक है भानु प्रताप शाही अपने आप को कहता है कि हम बहुत बड़े पाप साहब है यही उग्रवादी भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा पर है नौजवान संघर्ष मोर्चा के रूप में आया आदरणीय भाइयों ये कहते हैं कि राजा को बोलने नहीं आता इतना तहसील के तू का कहला और कैसे कैसे विधायक बनला हम जाना छोटे राजा चुनाव जीते या हारे लेकिन ईमानदारी के साथ गढ़पतवार राजनीति किया है और एक बार नहीं चार बार पांच बार इस क्षेत्र का विधायक भैया शंकर प्रताप बेमानी बच्चा रहे जब तक जिंदा रहे विधानसभा में हर समुदाय के लोग रहे थे हर धर्म के लोग रहे थे जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ उस परिवार में कभी भी कोई भी अगर मंदिर के लिए हो मस्जिद के लिए हो करबला के लिए हो तो हम लोगों ने दिल खोल के आपको मदद करने का काम किया आपको मेरे पास प्रमाण है भाई जी मेरे पास इतना प्रमाण है कि यही भानु प्रताप शाही और भानु प्रताप शाही का परिवार सोल में रैयत को भी जमीन बेचने का काम किया और कंपनी को भी जमीन बेचने का काम किया मेरे पास इसका प्रमाण है अगर करिएगा तो हम पत्रकारों को देने का काम करेंगे क्या नगर उद्यारी का पंद्रह इस तरह का काम किया मुर्गा मुर्गी काट के सबके गांव में लत रहे इतना भालू के मुर्गा मुर्गी खेल का अपन दे दिए पत्रो नहीं दी है बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है दान देने की आवश्यकता नहीं है भाषण को उजागर करने की आवश्यकता और भाषण से राशन नहीं मिलता है इस बात को कहना चाहता हूं भाषण से राशन नहीं मिलता और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम भानु प्रताप शाही हम लोग तुम्हारा ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तत्पर हो तैयार है तुम बोलो जो भी बोलना है तुम बोलो हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार है आज विष्णुपुरा के तमाम लोगों से इस क्षेत्र के तमाम लोगों से हम कोई आपके बीच में नहीं नहीं है हमारा आपका पूर्वजों से संबंध है कोई जंगलात सिपाही नहीं है मेरे कार्यकर्ता जिस दिन पूरे लगेंगे तुम्हारे कार्यकर्ता रण छोड़ के भाग जाएंगे इस बात इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ खास करके मीडिया के बंधु से भी आग्रह करना चाहता हूँ पारदर्शिता के साथ इस क्षेत्र में आईना दिखाने का काम कीजिए जब इस क्षेत्र का विधायक था मंत्री था भानु प्रताप शाही को क्यों नहीं उनको सूझा रमना से विष्णुपुरा से मझाव और नगर से रमना सड़क का निर्माण होना चाहिए काहे ये विष्णुपुरा का इलाका हमारा वोट देने से नहीं हो हमने कहा कि सबसे पहला प्राथमिकता विष्णुपुरा का होगा आज जरूर बालू के वजह से रोड अस्त व्यस्त हो गया है रोड बहुत खराब हो गया है हम और ताहिर जी गए बता रहे थे ताहिर जी आपको मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ हम और ताहिर जी गए और ताहिर जी से हमने कहा कि जो रोड आपको लिखना है लिख दीजिए हम उस पर साइन करेंगे इन्होंने कहा कि सबसे पहला रोड जो है कमला से भूलका होते हुए कमरिया होते हुए धुरकी बनना चाहिए।